वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे हेल्थ इंस्पेक्टर वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैं इससे पहले भी वीडियो डाल चुका हूं कि आपके जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आया है सिविल ग्रुप सी के अंदर हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड के अंदर आर्मी के अंदर, ठीक है। तो पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 18 सीट थी हेल्थ इंस्पेक्टर की, और ये जो वीडियो डाल रहा हूँ इसमें आपके जो है टोटल ऑफ वैकेंसी 58 है, ठीक है। अब 58 वैकेंसी है और 58 की 58 वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी की है। एज की बात करूँ मैं यहाँ पर तो 18 से 27 ईयर्स एज मांगी गई है, ठीक है। और लेवल 4 के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज रहेगी आपके पैमेट्रिक, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज है। एक और चीज़, जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी में या फिर ओबीसी कैटेगरी में या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किस पोस्ट पर? इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर पाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल है कि वो कब अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि वो एज रिलेक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, एज रिलेक्शन नहीं लेते हो, जैसे कि आपकी एज 27 से कम है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज रिलेक्शन ले लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपकी एज 27 से एक महीना भी ऊपर हो रही है या एक दिन भी ऊपर हो रही है और आप एज रिलेक्शन ले लेते हो, ठीक है, तो आप फिर जो है जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। आपकी कैटेगरी में काउंट होंगे और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होने वाला है कि आपकी कैटेगरी की यहाँ पर सीट नहीं है, इस वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, समझ गए होंगे आप, जिसकी एज 27 से कम है वो सभी कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जून इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले जो है आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भेजना है, ठीक है। कहाँ पे भेजना है वो भी आप देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म दे यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, ये एड्रेस दे रखा है, हॉस्पिटल पिन नंबर वगैरह ये सब दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना है और 58 सीट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ जो है मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर, हेल्थ इंस्पेक्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपके जो एसएससी का पैटर्न है जिसमें मैथ ट्रेनिंग इंग्लिश जीके चलती है, तो वही पैटर्न आपका यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया है। इसी बेसिस पे आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसका जो है आप प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट ले करके आपकी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखिए, ठीक है। आपका जो भी डिटेल मांगी जाती है फॉर्म में वो सारी चीज़ जो है आप फुलफिल करके जो एड्रेस दे रखा है उस पर सेंड करनी है। तो मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म इन आर्मी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट नंबर डेट वगैरह वो सारी चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे आपको ये सेंड करना है, ठीक है, फॉर्म भर के ऑफलाइन सेंड भी इसी एड्रेस पे करना है। आपका यहाँ पर फ़ोटो लगवाना है, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है अटेस्टेड फ़ोटो चाहिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। और यहाँ पर जो पहले नंबर की जो पंक्ति है उसमें आप देख सकते हो फुल नेम लिखना है इन ब्लॉक लेटर, इन हिंदी के अंदर लिखना है, और नीचे जो है इंग्लिश के अंदर लिखना है। सेकंड नंबर का जो यह है इसमें आपको लिखना है फादर्स या हस्बैंड नेम, ठीक है, ब्लॉक लेटर में, और नीचे जो है मदर्स नेम लिखना है। थर्ड में जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, टेंथ के जो स्कूल सर्टिफिकेट है उसमें आपकी क्या डेट है उसके हिसाब से भरनी है। फोर्थ में जो है आपको दे रखा है एज, दे रखा है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन के दिन, आपकी एज कितनी हो रही है वो आपको ईयर बताना है, कितने साल की आप, कोई मंथ ऊपर चल रहा है तो वो एज, ठीक है। फाइव नंबर में कैटेगरी आपको डालनी है जनरल एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है आर यू अप्लाइंग अंडर एक्स सर्विस मैन कैटेगरी इज एस, तो अगर आप एक्स सर्विस मैन कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एस लिखना है, और नेशनली लिखना है और रीजनल लिखना है, ठीक है। सेवन नंबर में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आपका एड्रेस इन फुल विद पिन कोड एंड मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, तहसील कौन सी लगती है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, ये सारी चीज़ आपको भरनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, स्टेट कौन सा, पिन कोड क्या है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में भी आपको यही सारी चीज़ जो है फुल फॉलो
फुलफिल करनी है। और आपको मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, डिटेल ऑफ एकेडमिक या टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, ठीक है। और ये वैकेंसीज आपने देखा होगा, अगर 12th लेवल या 10th लेवल पे है तो सभी कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पहली बार इतना वैकेंसी आ रहा है आर्मी के अंदर आपके, और बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कि सर आप जो है फॉरम के बारे में बताइए कैसे क्या बनना है। तो भाई बताना क्या, इसमें ऑफलाइन फॉरम है, ठीक है। प्रिंट आउट लीजिए, डिटेल भरिए और जो एड्रेस है उस पर सेंड करिएगा, ठीक है। और ये जो भी है सारी चीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पैरामेडिकल कैरियर अकेडमी हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो वहाँ पर जो है मैं आपको ये सारा नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉरम जो है सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आप उसका प्रिंट ले लीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और जो जिस पोस्ट की जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसमें 18 पोस्ट है। तो दोनों पर ही आप अलग अलग जो है फॉरम अप्लाई करिएगा, ठीक है। दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड की है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ग्रुप सी के अंदर है, ठीक है। और इसमें आपके तो बहुत सारी वैकेंसी, जिसमें उसमें 58 पोस्ट थी, इसमें आपके जो है 18 पोस्ट है, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर के 18 पोस्ट है टोटल, और 18 जो पोस्ट है आपके जनरल कैटेगरी के, जिसमें 3 सीटें जो है आपके ESM कोटा के अंदर है, एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर है, ठीक है। एज इसमें भी वही 18 से 27 ईयर्स मांगी गई है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली है, ठीक है। तो दोनों की ही फॉरम जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार फिर दोबारा से सेंड कर दूंगा, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी जो पेमेट्रिक के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखी है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी ये सैलरी रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं सभी पोस्ट की। तो हेल्थ इंस्पेक्टर के एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट फॉर में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, जो कंपलसरी नहीं है, जिसके पास हो तो लगा दो, तब भी कोई खास बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि कंपलसरी इन्होंने किया नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस आपसे डिजायरेबल मांगा गया है, मतलब वांछनीय योग्यता है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपको 45 डेज के अंदर आपको ये फॉरम सेंड करना है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, और इसमें जो है आपसे इस एड्रेस पर सेंड करना है, इस नाम से ही जो है आपको 100 रुपये का ये पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट से ही जो है आपको ये सेंड करना है, इसी एड्रेस पे सेंड करना है ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो दोनों ही फॉरम की जो है मैं आपको ये नोटिफिकेशन की PDF सेंड कर दूंगा, इसका भी एग्जाम पैटर्न सेम वही है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, ठीक है। तो वही पैटर्न है सभी का, वही सेम पैटर्न फॉलो किया है, 2 आवर्स जो है टाइमिंग रहेगी आपकी, और इसका ये फॉरम का एप्लीकेशन का जो है ये दे रखा है, तो ये भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।